हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कवर करेंगे साइनोबैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर। अब सेल स्ट्रक्चर साइनोबैक्टीरिया किससे बिलोंग कर रहा है? मोनेरा। और मोनेरा में कौन सा सेल होता है? प्रोकैरियोटिक सेल। तो अगर देखा जाए साइनोबैक्टीरिया में कौन सा सेल है? प्रोकैरियोटिक। तो इट्स अ टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल है तो सबसे पहले जो लेयर आती है उसे हम क्या कहते हैं? सेल एनवेलप। अब मैंने कहा था जितने भी साइनोबैक्टीरिया हैं दे आर कवर्ड बाय म्यूसिलेजिनस शीथ। तो क्वाइट ऑब्वियस, सेल एनवेलप में आउटर मोस्ट जो रहेगी वो क्या रहेगी? म्यूसिलेजिनस शीथ। अब क्वेश्चन आया कि ग्लाइकोकैलिक्स या म्यूसिलेजिनस शीथ की कंपोजिशन क्या रहेगी? तो दैट इज म्यूकोपेप्टाइड। इंपॉर्टेंट है। तो कंपोजिशन देखी जाए तो वो क्या रहेगी? म्यूकोपेप्टाइड। नेक्स्ट, उसके बाद अंदर कौन सी लेयर आएगी? सेल वॉल। मैंने कहा था साइनोबैक्टीरिया इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये कहा? और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आपने पढ़ा है कि सेल वॉल कितने लेयर प्रेजेंट होती है? टू लेयर प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन जब आता है साइनोबैक्टीरिया पे तो सेल वॉल बेसिकली कितने लेयर्ड होती है? फोर लेयर्ड होती है। बच्चे यही क्वेश्चन गलत कर देते हैं। हर ऑर्गेनिज्म की, हर बैक्टीरिया की अपनी एक करेक्टरिस्टिक है। वो औरों से कुछ ना कुछ तो अलग होगा ही। अगर एकदम सेम होगा तो हम उसकी कैटेगरीज तो बना ही नहीं सकते। तो साइनोबैक्टीरिया नॉर्मली बैक्टीरिया से कहाँ पे अलग होता है? नेगेटिव बैक्टीरिया से, कि इसमें कितनी सेल वॉल कितनी होती है? फोर लेयर। तो क्वेश्चन जब भी आता है इन साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया डिटेल में आता है, तो साइनोबैक्टीरिया सेल वॉल इज, सबको याद होता है, ग्राम नेगेटिव कितने कर देते हैं? टू लेयर। अरे नहीं, ये अलग है उनों से। तो ये कितनी लेयर है? फोर लेयर है। क्वेश्चन गलत मत करना, इट इज फोर लेयर्ड सेल वॉल। ठीक है, इसके अंदर चार लेयर है सेल वॉल की। नेक्स्ट क्या आ जाएगी? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल है, सिमिलर टू यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो हैविंग किससे बना है? लिपिड एंड प्रोटीन एंड स्टीरोल्स आर एब्सेंट। स्टीरोल्स इसमें क्या है? एब्सेंट है। स्टीरोल्स मैंने कहा था कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इसमें क्या रहेगा? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है तो कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिकली क्या रहेगा? एब्सेंट ही रहेगा। क्लियर? तो ये रहा सेल एनवेलप। सेल एनवेलप आप देखो तो सेल एनवेलप खत्म होने के बाद अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या आती है? साइटोप्लाज्म। तो नेक्स्ट आ जाता है साइटोप्लाज्म। बेसिकली जो साइनोबैक्टीरिया है, अगर दिस वन इज साइनोबैक्टीरिया, दिस इज सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, है तो प्रोकैरियोटिक सेल ही ना। दिस वन इज सेल मेम्ब्रेन, इसके अराउंड आ गई, ये आ गई सेल वॉल आ गई। ठीक है, और ये मैं बना दूँ म्यूसिलेजिनस शीथ। क्या मुझे मार्क करना पड़ेगा? चलो खुश रहो। दिस वन इज म्यूसिलेजिनस शीथ। क्लियर? दिस वन इज सेल वॉल, दिस वन इज सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? अब ये क्या आ गया? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ। एक आ गया सेंट्रोप्लाज्म। नाम से ही पता चल रहा है सेंट्रो, तो इसका मतलब ये कहां पे प्रेजेंट है? सेंटर में प्रेजेंट है। एक आ गया क्रोमोप्लाज्म। नाम से कुछ नहीं पता चल रहा, सिर्फ एक ही चीज पता चल रही है कि ये कलरफुल है। इसके नाम से पता चला कि ये लोकेशन क्या है। इसके नाम से पता चल रहा है कि क्रोमो, क्रोमो मतलब कि कलर। ठीक है, तो क्रोमोप्लाज्म जो है दैट एरिया जहां पे क्या है? पिगमेंटेड एरिया है। तो यहां पे क्या प्रेजेंट होंगी? पिगमेंटेड लैमिलाए। दिस पिगमेंटेड लैमिलाए आर ऑल्सो नोन एज थाइलाकोइड। ठीक है, दिस पिगमेंटेड लैमिलाए में बेसिकली क्या प्रेजेंट है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट है। पता है भैया, फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट ही होगा। अब याद रखना, अब ये थोड़ा सा एडवांस, जब आपने एनसीईआरटी पढ़ी तो उसमें लिखा है कि इन साइनोबैक्टीरिया ग्रीन बैक्टीरिया, इन पर्पल बैक्टीरिया
membranous extension is present which have photosynthetic pigment that is known as chromatophore. क्लियर, एनसीईआरटी ये बोलती. लेकिन हल्का सा अगर हम डिटेल में जाएं तो साइनोबैक्टीरिया में वही मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन को हम क्या कहते हैं, लैमिलाए, या तो हम क्या कहते हैं, थाइलाकोइड्स कहते हैं. क्रोमेटोफोर वर्ड हम यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है. अगर आपके पास दोनों ऑप्शन पड़ी है, लैमिलाए भी पड़ा है और क्रोमेटोफोर भी पड़ा है, बेटा आप लैमिलाए पे टिक करोगे, क्रोमेटोफोर पे टिक नहीं करोगे. क्लियर, या थाइलाकोइड पड़ा है और क्रोमेटोफोर पड़ा है, आप थाइलाकोइड पे टिक करोगे लेकिन क्रोमेटोफोर पे टिक नहीं करोगे. याद रखना, फॉर साइनोबैक्टीरिया अगर ऑप्शन में ये पड़ा हुआ है, अदरवाइज आपका आंसर साइनोबैक्टीरिया का क्रोमेटोफोर ही रहेगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. तो दैट विल बी अ प्रायोरिटी क्वेश्चन, ध्यान से करना. उस पर डिस्कशन करने का कोई फायदा नहीं होगा. मैं अभी बोल रही हूँ कि दैट विल बी अ प्रायोरिटी क्वेश्चन, कि अगर क्रोमेटोफोर और थैलाकोइड दोनों ऑप्शन में दिया है तो यू विल सेलेक्ट थैलाकोइड, क्रोमेटोफोर को सेलेक्ट नहीं किया जाएगा. ये आपको क्वेश्चन दिखेगा अभी. तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, कौन सा फोटोसिंथेसिस शो करना है, तो फर्स्ट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज क्लोरोफिल ए. देखो, हायर प्लांट क्लोरोफिल ए एंड बी. मैं डाई एटम्स पढ़ाऊंगी, ए क्लोरोफिल ए एंड सी. डाइनोफ्लैजेलेट क्लोरोफिल ए एंड सी. यूग्लिनॉइड क्लोरोफिल ए एंड बी. देखो, अगर मेरे को ऐसे याद हैं, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ये सब के कौन सा पिगमेंट किसमें प्रेजेंट है ये आपको पता होना चाहिए. क्लियर, तो इसमें कौन सा प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है. क्लियर, नेक्स्ट इसमें प्रेजेंट है फाइकोबिलिन्स. अब फाइकोबिलिन्स का नाम, फर्स्ट इज सी फाइको एरिथ्रिन. ये कौन सा कलर प्रोवाइड करता है, कौन सा कलर है, रेड कलर का पिगमेंट है. देखो, इंपॉर्टेंट है, अगर मैं लिख रही हूं तो ये इंपॉर्टेंट और आपको क्वेश्चन दिखेगा. नेक्स्ट इज सी फाइको सायानिन, दैट विल प्रोवाइड ब्लू कलर, ठीक है. नेक्स्ट इज सी एलो फाइको सायानिन, दैट विल प्रोवाइड लाइट ब्लू कलर. अब देखो, ये कलर मिक्स होते हैं तब जाके साइनोबैक्टीरिया का कलर क्या बन जाता है, ब्लू ग्रीन. इसीलिए इसे कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, इन्हीं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के कारण. क्लियर, तो ये पिगमेंट्स आपको क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप रेड एल्गी पढ़ोगे ना तो मैं बोलूंगी उसमें फाइको एरिथ्रिन प्रेजेंट है, लेकिन मैं लिखूंगी आर फाइको एरिथ्रिन. यहाँ पे क्या लिखा है, सी फाइको एरिथ्रिन. सी मतलब कि साइनोबैक्टीरिया, ठीक है. तो जब ऑप्शंस आपको आए तो ध्यान से, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए सी और आर ऑप्शन देंगे, चाहे रेड एल्गी पे क्वेश्चन दे, चाहे आपको साइनोबैक्टीरिया पे क्वेश्चन दे, ठीक है. वो सी और आर दोनों ऑप्शन प्रेजेंट होंगे. तो सी फाइको एरिथ्रिन कौन सा कलर देगा, रेड. सी फाइको साइनिन देगा ब्लू, और सी एलो फायासाइनिन देगा आपको लाइट ब्लू कलर. और ये पिगमेंट्स हेल्प करेंगे इन फोटो सिंथेसिस. क्लियर, तो नेक्स्ट है इंक्लूजन बॉडीज. तो फर्स्ट इंक्लूजन बॉडी अगर देखा जाए तो क्या आ जाएगा, गैस वैक्यूल, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. ये क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड बायोंसी. बायोंसी क्यों चाहिए, दिख रहा है बायोंसी, मुझे उम्मीद नहीं है, ठीक है, मैं फिर से लिख देती हूँ, ठीक है. बायोंसी प्रोवाइड करता है, क्यों चाहिए, ताकि सफिशिएंट एक्सपोजर ऑफ सन लाइट, ठीक है. तो ये वाटर के सरफेस के ऊपर उसे क्या, बैक्टीरिया को क्या करेगा, रिटेन रखे. अगर ये वाटर बॉडी है तो वाटर सरफेस पे बैक्टीरिया को रहना है, तो गैस वैक्यूम होगा, वेट कम होगा, वो सरफेस पे रहेगा, पानी तो है ही है, फोटोसिंथेसिस करेगा आराम से. क्लियर, नेक्स्ट इसमें इंक्लूजन बॉडी है अल्फा ग्रेन्यूल्स. अल्फा ग्रेन्यूल्स का दूसरा नाम क्या था, साइनोफिशियन स्टार्च. अब स्टार्च वर्ड यूज करते हैं, लेकिन बैक्टीरिया में फूड स्टोर होता है ऑयल एंड ग्लाइकोजन. हम कभी भी स्टार्च वर्ड यूज नहीं करते हैं, ठीक है. लेकिन यहाँ पे साइनोफेशियन स्टार्च है, इसलिए टेस्ट किया गया, तो आयोडीन टेस्ट जो होगा इसके लिए क्या रहा, नेगेटिव रहा. इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल है वो स्टार्च की तरह नहीं है, इसमें बेसिकली ये कैसा है, ग्लाइकोजन लाइक है.
इसलिए आयोडीन टेस्ट क्या रहा, नेगेटिव। जो आयोडीन टेस्ट होता है वो स्टार्च टेस्ट, वो आपने पोटैटो के ऊपर किया हुआ है, आयोडीन डाला, जो पोटैटो है उसका कलर चेंज हो गया, ब्लूइश कलर का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज बीटा ग्रेन्यूल्स। बीटा ग्रेन्यूल्स अगर देखा जाए तो उसमें क्या स्टोर होते हैं, लिपिड स्टोर होता है। नेक्स्ट इज साइनोफेशियन ग्रेन्यूल्स, और उसमें मैंने कहा था क्या स्टोर होता है, प्रोटीन स्टोर होता है, ये सबको याद है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें ग्रेन्यूल प्रेजेंट होता है दैट इज पॉलीहेड्रल ग्रेन्यूल्स, और पॉलीहेड्रल ग्रेन्यूल की खासियत उसमें एक केमिकल प्रेजेंट होता है दैट इज रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होता है विच इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, हायर प्लांट्स में भी प्रेजेंट होता है, क्लियर। नेक्स्ट वन जो होंगे दैट इज वोल्यूटीन ग्रेन्यूल। वोल्यूटीन ग्रेन्यूल का आपने पढ़ा है, कौन से ग्रेन्यूल होते हैं, पॉलीफॉस्फेट ग्रेन्यूल, क्लियर। तो ये इंक्लूजन बॉडीज का काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चंस पेपर में आ चुके हैं, क्लियर। तो दैट्स ऑल अबाउट सेल स्ट्रक्चर ऑफ साइनोबैक्टीरिया। थैंक यू।